गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, हाय, हाउ आर यू, जय श्री राम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज माय फर्स्ट व्लॉग व्हिच आई एम मेकिंग ऑन माय YouTube चैनल। आज मैं अपने गांव का छोटा सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि हाउ वी स्पेंड अवर लाइफ इन अ विलेज, गांव की लाइफ कैसी होती है, हाउ दे सर्वाइव, हाउ फार्मर्स यूज देयर टाइम इन द फार्मिंग एंड गेहूं वगैरह वगैरह। तो मैं आपको चलो मिलवाता हूँ कुछ चीजों से। ये पहला व्लॉग है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। पीपल जस्ट यूज मड to the decorate their house. This is a simple way how they decorate it. Yeah. How it is happened, I will showing you the field. ये हमारे छोटे छोटे खेत हैं और एक्चुअली फार्मर के लिए जो दीपावली होती है किसानों के लिए मेनली, वो दीपावली का मतलब सिर्फ फटाके फोड़ना नहीं होता। दीपावली में किसान वही रहता है जो वो रहता है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो नए कपड़े खरीदता हो या फिर अच्छी मिठाइयाँ खाता हो। किसान का काम जो होता है किसान वही करता है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक छोटा सा भाई वो दूर दिख रहा होगा आपको उस खेत में, वो अभी भी सिंचाई का काम कर रहा है, मतलब गेहूं में सिंचाई चल रही है। ये छोटे छोटे चने आप लोगों को दिख रहे हैं, ये हमारे चने हैं। ये इतनी भी ज़मीन दिख रही है ये आसपास की। तो क्या होता है किसान की जो लाइफ होती है ना वो बहुत स्ट्रगलफुल होती है। क्या होता है कि जब वो भाव मांगने मंडी जाता है, आप लोगों ने देखा होता है किसान विरोध करता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि किसान बेबुनियादी बातें करता है, पता नहीं मतलब भाव इतना मिल रहा है, सरकार इतना दे रही है, सब कुछ किसान को मिलता है, उसके बावजूद वो इतनी सारी मांगे करती है। मेरे भाई लोगों, जब आप आओगे कभी और एक ये गेहूं आप लोगों को दिख रहा है, इस गेहूं को बड़ा करने में इतनी मेहनत लगती है जैसे कि कोई 4 महीने का बच्चा उसे 8 महीने का करने में। तो यार किसान का हम लोगों को सपोर्ट तो करना चाहिए। तो फर्स्ट व्लॉग जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ऐसे दूर आपको दिख रहा होगा छोटी छोटी जो घर हैं, हम एक्चुअली फार्म हाउस पर रहते हैं, वो जो दिख रहा है वो दूर अपना गाँव है। गांव के लोग बड़े ही शालीन होते हैं यार। उन लोगों में क्या होता है कि पहली बात तो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब वो जो होता है ना वो एक मन में छल कपट और एक और कुछ है यार, मतलब सामने कुछ और रियलिटी में कुछ और, ऐसा गांव वालों में बिल्कुल नहीं होता। गांव वाले जो हैं वो हैं, फटे कपड़े हैं तो फटे कपड़े पहनते हैं, आप लोगों को दिखाने के लिए नए कपड़े नहीं खरीदते हो। मीन्स गाँव की लाइफ मुझे सिर्फ इसी मायने में सबसे अच्छी लगी है कि वो रियलिटी में रहते हैं। कुछ लोगों की आदतें होती हैं कि अपने पास पैसे नहीं हैं, अपने पास मान के चलो कम पैसे हैं लेकिन लोगों को दिखाने में शहरों में बहुत चलता है, तूती बेचते हैं, मतलब EMI पे चीज़ों को खरीदते जाते हैं, उनके बाद उनको बड़े बोझ बन जाता है सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। आई थिंक सो कि रियलिटी में लाइफ हमें जीना चाहिए। हम जो हैं वो हैं वी कांट चेंज अवर सेल्फ यार, और हम मतलब किसके लिए बदल रहे हैं। हम यदि खुश नहीं हैं लोगों को दिखा के खुश हो रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो ये सही है। एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग। समा केयर, गुड मॉर्निंग, आप अच्छे से जिए यार, बस यही अपनी छोटी सी विश आप लोगों से। और इलेक्शन का टाइम है तो कोऑपरेट करें, इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जो लोग वोट डालते हैं वो वोट डालें, अच्छे नेता को चुनें ताकि हमारे साथ हमारे समाज का और हमारे देश का विकास हो। जय हिंद, जय भारत, सभा खेर, सुब क्या बोलना है?